मैं कोप्राइम नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। प्राइम नंबर्स हमने अच्छी तरह जान लिया है, कंपोजिट नंबर्स हमने अच्छी तरह जान लिया है, बट कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कोप्राइम नंबर नहीं लिखा है, मैंने लिखा है कोप्राइम नंबर्स, यानी कि एक से ज़्यादा वाली बात है। तो कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपस में प्राइम हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 और 3, ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करता है? 1। 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, यानी कि ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। यानी कि टू नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर और जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, वो कहलाते हैं कोप्राइम नंबर्स, राइट? तो जैसे ये एक एग्जांपल हो गया। अब अगर मैं कोप्राइम नंबर्स का एग्जांपल दूँ, तो कोप्राइम नंबर्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? जैसे 2, 3 हो गया, 3, 5 हो गया, 5, 7 हो गया। जो भी एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ प्राइम नंबर्स की ही ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या ये कहना ज़रूरी है कि जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं उनके वो एग्जांपल लेने के लिए दोनों का प्राइम होना ज़रूरी है? नॉट नेसेसरी। जैसे कि अगर मैं आपसे लिखूँ 4 और 9, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन दोनों को 1 के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता है, राइट? तो फिर भी ये कोप्राइम है, राइट? सो टू नंबर्स आर कोप्राइम टू ईच अदर जब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम होने चाहिए। वो दोनों कंपोजिट भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए सिवाय 1 के। इस बात का हम यूज़ करेंगे इन द नेक्स्ट थिंग, विच इज़ द डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट? बट डिविजिबिलिटी रूल्स जानने से पहले हम कोप्राइम नंबर्स अच्छी तरह जान लेंगे। उनका आपस में प्राइम होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के।